हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आप देख रहे हो LG का एक इन्वर्टर AC जो हमने ऑर्डर किया है Amazon से। ये 1.5 टन कैपेसिटी में आने वाला 4-स्टार रेटिंग का ड्यूल इन्वर्टर AC है। और आज बुलाया है हमने LG के इंजीनियर को इस AC को इंस्टॉल करने के लिए। तो आज इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियर इनके किस तरह से स्प्लिट AC की इंस्टॉलेशन करते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं उनके पास, या फिर वो किस तरह से काम करते हैं। तो सारा रियल रिव्यू आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल भी कुछ मैं हाइड नहीं करने वाला। अगर कुछ बुरा लगेगा तो बुरा बोलूँगा, अच्छा लगेगा तो अच्छा भी बोलूँगा। तो चलिए देखते हैं LG वाले कैसे करते हैं अपने ACs की इंस्टॉलेशन। सबसे पहले इंडोर के बॉक्स को ओपन किया गया और इंडोर को बाहर निकाला गया, देन आउटडोर को भी बाहर निकाला गया, सारा सामान चेक किया गया, उसके बाद प्लेट लगाई गई वाटर लेवल चेक करके और उसके स्क्रू वगैरह सब टाइट किए गए। देन बारी आती है होल की, क्योंकि जो पाइप है वो दीवार में से जाना था, तो आप देख सकते हो कि दीवार को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा क्योंकि इनके पास गोल वाला बिट नहीं था, तो इन्होंने एक पतले बिट से ही काफ़ी सारे सुराख करके उसके बाद छेनी हथौड़े से उस होल को बनाया, जिसमें काफ़ी मेहनत भी लगी और थोड़ा सा हमारी वॉल को नुकसान भी हुआ। तो ये नीट एंड क्लीन वर्क तो नहीं हो पाया, मतलब अंदर से तो चलो हो गया, लेकिन दीवार के उस तरफ थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ जो कि हमें बाद में रिपेयर कराना पड़ेगा। तो फाइनली होल जो है वो हो गया। उसके बाद जो इंडोर है उसकी आप देखिए, जो पाइप निकल के आती है जो बाहर जाएगी उसके ऊपर ये इंसुलेशन कर रहे हैं। ये जो इंसुलेशन टेप है ये पीस के साथ ही आती है, AC के साथ ही आती है, और ये टेप पूरे पाइप के ऊपर चढ़ जाए इतनी होती है। तो फिलहाल ये इंडोर वाले जो पार्ट है कॉपर के पाइप का उसके ऊपर ये कर रहे हैं रैप इसको, और उसके बाद फिर इसको ये अब हैंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कॉपर पाइप और ड्रेन का पाइप उस होल से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और इंडोर को वो जो प्लेट लगाई थी पहले उसके ऊपर अब ये प्लेस कर रहे हैं। और प्लेस होने के बाद इसमें एक फ्लैप होता है नीचे की तरफ, वो लगाया, और ये है फाइनल लुक जो कि इंडोर हैंग होने के बाद आती है। उसके बाद आउटडोर में आप देखिए कि मैं यहाँ पर स्टैंड नहीं लगवा रहा हूँ, रबड़ के पैड लगवा रहा हूँ, और काफ़ी बार आपको बोला हुआ है कि यही आप भी लगवाइए अगर आपने आउटडोर को नीचे रखना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आउटडोर को सेट किया गया अपनी जगह पर जहाँ पर लगाना है उसको, और उसके बाद कनेक्शन वगैरह करने के लिए ये जो फ्लैप है इसको ओपन किया गया, देन जो फ्लेयर नट्स हैं कनेक्टिंग पाइप्स के उनको टाइट किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद ये जो पाइप्स हैं इनको सेट किया जा रहा है जिस भी पोजीशन में ये चाहिए हमें। और बहुत ध्यान से ये काम करना पड़ता है क्योंकि पाइप पिंच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये पाइप जैसे जैसे जाएगी और बाद में इसने आउटडोर में कनेक्ट होना होता है तो उस हिसाब से इसको लेके आना होता है। देन अब आप देख सकते हैं कि वही इंसुलेशन टेप दोबारा से पाइप के ऊपर रैप की जा रही है। इसमें एक पाइप है मोटे वाला, एक पतले वाला कॉपर का, और एक है केबल जो इंडोर और आउटडोर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। तो ये इंसुलेशन मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी है, ये टेप पूरे पाइप के ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा, ये जो फ्लेयर नट वाला पार्ट है इसको अभी रैप नहीं किया है क्योंकि AC को चलाने से पहले इसकी गैस की लीकेज का टेस्ट किया जाएगा, तो इसीलिए इस पार्ट को छोड़ा है, इसको बाद में किया जाता है। बाकी जो पूरा पाइप है वो रैप हो चुका है, यही पार्ट रहता है क्योंकि यहाँ पर अभी लीकेज का टेस्ट करना बाकी है। तो अब ये फ्लेयर नट जो आउटडोर में कनेक्ट होने हैं वहाँ पर टाइट किए जा रहे हैं, और ये छोटे वाला जो नट है इसको भी टाइट किया जा रहा है ताकि प्रॉपरली ये टाइट हो जाएं और इनमें से गैस लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। अब गैस खोलने की बारी है, तो यहाँ पर अब इस गैस को खोलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि LG वालों ने इस मशीन को वैक्यूम नहीं किया और इनके पास गैस लीक टेस्ट करने के लिए फॉर्म भी नहीं थी, तो जो है मैं बिल्कुल फेयरली बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो फाइनल इन्होंने ये फिटिंग करी तो इस तरह से आया। और ये इंसुलेशन टेप आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि लास्ट तक ही आपने करवानी है, कोशिश करनी है। तो सारे कनेक्शन अब हो चुके हैं, लीक टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अब इसका ये जो पैनल है इसको ये बंद कर रहे हैं।
सो ये है फाइनल लुक जो कि आउटडोर फिट होने के बाद हमें मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लगा हुआ। ये है इसका इंडोर जो आप देख सकते हो ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी आ रही है इस पर, फ्लैप भी इसका स्विंग कर रहा है। इस मॉडल में हमें फोर वे स्विंग मिलती है तो फ्लैप तो अप एंड डाउन करता ही है, इसके अंदर भी छोटे छोटे फ्लैप होते हैं जो लेफ्ट टू राइट स्विंग करते हैं और फोर वे स्विंग वाला ये मॉडल है। फोर स्टार और फाइव स्टार में ही आपको मिलती है। आउटडोर भी अब ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं फ़ैन इसका रन कर रहा है और बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन है इसके। इस बात से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि LG का ये AC चल रहा है और कमरे के अंदर बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा था। उसके बाद इसकी जो टेपिंग है ये उतारने के लिए बोला मैंने इन्हें, उसके बाद निकल के आया हमारा LG का ग्लॉसी फिनिश वाला इंडोर यूनिट। तो देखा आपने LG वालों ने कैसे स्प्लिट AC की इंस्टॉलेशन की। कुछ चीज़ें उनके पास नहीं थी, कुछ टूल्स नहीं थे प्रॉपर, जिसकी भी मैंने वीडियो के अंदर बात की। तो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि पूरा रियल आपको बताऊं जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अब आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करते हो वीडियोस को तो हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और बाकी एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा ही करता हूँ, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।